यदि अभी तक आपने मुझे अन अकेडमी पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर भी DSSB, KVS, CTET, UPTET, HTET और हर स्टेट के लिए जितने भी टेट हैं उनके लिए क्वालिटेटिव कोर्स तैयार कर रहा हूँ। और सबके सब लेक्चर आपको वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, चाहे वो साइकोलॉजी का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे NCERT सीरीज हो, सबके सब आपको प्रोवाइड होंगे। तो जिस तरह आपने मुझे यूट्यूब पर सपोर्ट किया है, उसी तरह आप मुझे अनअकैडमी पर सपोर्ट कीजिए। वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। आज हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के लेक्चर नंबर 3 पर। इससे पहले 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। ये जो लेक्चर करंट अफेयर्स के हैं वो आपके आने वाले एग्जाम KVS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि KVS में साफ मेंशन कर रखा है करंट अफेयर्स के लिए। अगर TGT की बात करूँ, TGT में 40 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें से आपको 30 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से देखने को मिलेंगे। अगर बात करता हूँ कल के एग्जाम की, जो कल वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम हुआ KVS का, 10 क्वेश्चन थे GK के, जिसमें से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे, जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ आंसर की। तो जिन्होंने नहीं देखा वो पेपर देख लीजिए, आपको थोड़ा सा गैस लग जाएगा कि पेपर किस प्रकार का आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, कहता है कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018 में भारत की रैंकिंग कितनी है। अगर बात करूं भारत की रैंकिंग है 58, कितनी 58। लास्ट ईयर जो भारत की रैंकिंग थी वो थी 63, तो 5 अंक और भारत आगे आ चुका है, तो बहुत अच्छी बात है ये। अगर बात करूं सबसे पहली रैंकिंग है, वो सबसे पहली रैंकिंग है USA की, अमेरिका की, दूसरी रैंकिंग है सिंगापुर की, और तीसरी रैंकिंग है जर्मनी की। ठीक है स्टूडेंट, जर्मनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018 जारी किया। निम्नलिखित में से किसने वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018 जारी किया। तो विश्व आर्थिक मंच ने ये जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया है, जिसमें भारत 58 नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपेरियन जो हाल ही में खबरों में रहा क्या है। हाइपेरियन जो हाल ही में खबरों में रहा वो क्या है। तो ये गैलेक्सी सुपर क्लस्टर है। आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी होगी, बिग बैंग थ्योरी के बाद अगर कोई ज़्यादा चर्चा में रहा है तो ये हाइपेरियन रहा है, जहाँ बहुत सारा जमावड़ा मिला है प्रकाश का। ठीक है, तो क्या गैलेक्सी सुपर क्लस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल गोड़ गांव को अंत्योदय योजना के तहत भारत का सर्वश्रेष्ठ गाँव का दर्जा दिया गया है, यह गाँव किस राज्य में है। कौन सा गांव है कुलगोड़ गांव, और किसके तहत अंत्योदय योजना के तहत भारत का सर्वश्रेष्ठ गांव का दर्जा दिया गया है, यह गांव किस राज्य में है। तो ये जो गांव है वो है कर्नाटक में। कहाँ स्टूडेंट, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण दत्त तिवारी जिनका 18 अक्टूबर 2018 को निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस पद को सुशोभित नहीं किया। नारायण दत्त तिवारी जिनका 18 अक्टूबर 2018 को निधन हो गया है, निम्नलिखित में से किस पद को सुशोभित नहीं किया है। तो वो कर्नाटक के राज्यपाल नहीं रहे हैं, कर्नाटक के राज्यपाल नहीं रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, भारत के विदेश मंत्री भी रहे हुए हैं, भारत के वित्त मंत्री भी रहे हुए हैं, लेकिन वे कर्नाटक के राज्यपाल नहीं हैं, वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे हुए हैं। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है, जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धर्म गार्जियन 2018 निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच के प्रथम सैन्य अभ्यास का नाम है। धर्म गार्जियन 2018 निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच के प्रथम सैन्य अभ्यास का नाम है। तो यह भारत और जापान के प्रथम जो सैन्य अभ्यास है, जिसका नाम है धर्म गार्जियन 2018 नाम दिया उसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा राज्य देश का पहला धूमर रहित राज्य घोषित होने जा रहा है। कौन सा राज्य है देश का पहला धूमर रहित राज्य घोषित होने जा रहा है। तो कौन सा है, वो केरल होने जा रहा है। कौन सा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने। निम्नलिखित में से किसने 18 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की। तो किसने की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र श्री मोदी ने जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 6ठी बैठक थी उसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने विश्व का सबसे बड़ा मानव रहित परिवहन ड्रोन का परीक्षण किया है, इस ड्रोन का क्या नाम है। तो इस ड्रोन का नाम है फेई होंग 98। कौन सा, फेई होंग 98, जो मानव रहित सबसे बड़ा परिवहन ड्रोन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा
निम्नलिखित में से किसके द्वारा 15 अक्टूबर 2018 को DSRV का सफल परीक्षण किया गया? निम्नलिखित में से किसके द्वारा 15 अक्टूबर 2018 को DSRV का सफल परीक्षण किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। नेक्स्ट है सिहाक नामक निर्माण उद्योग। सिहाक नामक निर्माण उद्योग एक्सपो 17 अक्टूबर 2018 को कहाँ प्रारंभ किया गया? तो कहाँ प्रारंभ किया गया था? मेक्सिको में प्रारंभ किया गया था। कौन सा? सिहाक नामक निर्माण उद्योग एक्सपो, ये मेक्सिको में स्टार्ट किया गया था। कहाँ स्टार्ट किया गया था? मेक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि वर्ष 2018 का मैन बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया? बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। तो किसे प्रदान किया गया? अन्ना बर्न्स को। किसको? अन्ना बर्न्स को। 2018 का मैन बुकर। अब ये किस बुक के लिए इनको नॉमिनेट किया गया? बुक का क्वेश्चन ये रहा कि वर्ष 2018 का मैन बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया? तो पहले उनका नाम क्या था? अन्ना बर्न्स। और कौन सी बुक है जिनके लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया था? मिल्क मैन। कौन सी बुक है? मिल्क मैन। और उन नाम क्या था उनका जिनको ये मैन बुकर मिला? अन्ना बर्न्स। कौन सा? अन्ना बर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीरो हंगर का लक्ष्य कब तक रखा गया? ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जीरो हंगर का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030 तक। कितने? वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अक्टूबर 2018 को, 15 अक्टूबर 2018 को दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली लॉन्च की गई। वायु गुणवत्ता पूर्व प्रणाली लॉन्च की गई, यह कितने घंटे पहले वायु की गुणवत्ता की चेतावनी जारी कर सकता है? तो कितने? 72 घंटे, 3 दिन पहले जारी कर सकता है। 72 घंटे या 3 दिन पहले जारी कर सकता है। कौन सी? वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है भारत वेस्ट इंडीज के बीच, भारत वेस्ट इंडीज के बीच अक्टूबर 2018 में आयोजित टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता? तो ये पृथ्वी शाह ने जीता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार केवीएस में स्पोर्ट्स से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन भी बहुत, मतलब इतने इजी पूछे जाते हैं। मैन ऑफ द मैच कौन गया, किस टीम ने जीता? अब ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में ही पूछा गया था, तब भी इंडिया कोई ना कोई सीरीज खेलने गई थी, तब भी यही पूछा था कि मैन ऑफ द सीरीज किसे मिला है। तब वो पूछा था लेडीज में, अब ये जेंट्स में भी पूछ सकते हैं क्योंकि करंटली में चल रहा है, तो याद करके जाइए। नेक्स्ट बात करते हैं अपने विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस 2018 की थीम क्या थी? तो क्या थीम थी? हमारी कार्रवाई ही हमारा भविष्य है। हमारी कार्रवाई ही हमारा भविष्य है, ये विश्व खाद्य दिवस 2018 की थीम है। अब आपको क्वेश्चन बताना है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौभाग्य स्कीम के तहत, सौभाग्य स्कीम के तहत सभी घरों का शीघ्र विद्युतीकरण करने वाले राज्यों को कितनी राशि का पुरस्कार देने की घोषणा केंद्रीय बिजली मंत्री द्वारा की गई है? सौभाग्य स्कीम के तहत, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सीधा पूछेंगे कि सभी घरों का शीघ्र विद्युतीकरण करने वाले राज्यों को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाएगा, ये कौन सी स्कीम के तहत है? तो सौभाग्य स्कीम के तहत वो 100 करोड़ रुपये, 100 करोड़ रुपये राशि दी जाएगी पुरस्कार के रूप में उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की 87वीं जयंती पर 15 अक्टूबर 2018 को रक्षा मंत्रालय द्वारा द कलाम विजन डेयर टू ड्रीम का शुभारंभ किया गया, यह क्या है? वेबसाइट, योजना, संस्थान या संग्रहालय? तो ये किया गया है, ये है वेबसाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये कौन सी? द कलाम विजन डेयर टू ड्रीम का शुभारंभ किया गया, ये एक वेबसाइट है। क्या है? वेबसाइट। और कौन सी जयंती थी? 87वीं जयंती थी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोल एलन जिनका 65 वर्ष की ईयर में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस संस्था के सह संस्थापक थे? पोल एलन जिनका 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस संस्था के सह संस्थापक थे? तो ये थे स्टूडेंट किसके? माइक्रोसॉफ्ट के। किसके? माइक्रोसॉफ्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस जगह पर, निम्नलिखित में से किस जगह पर 16 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की आधारशिला रखी गई? निम्नलिखित में से किस जगह पर 16 अक्टूबर 2018 को, 16 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की आधारशिला रखी गई? तो कहाँ रखी गई थी? ये नरेला दिल्ली में रखी गई है। कहाँ? नरेला दिल्ली में। तो ये पहले भी क्वेश्चन अभी पूछा एग्जाम में, तो दोबारा फिर पूछ सकते हैं KVM से, याद रखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 16 अक्टूबर 2018 को प्रगति मैदान नई दिल्ली में छठे भारतीय
अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेला का उद्घाटन किया। तो आपको पता है कि कपड़ा मंत्री कौन है, तो इससे थोड़ा सा गैस हो जाएगा, स्मृति ईरानी ने ये किया होगा। कौन सा है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेला, कौन सा? छठा, जो नई दिल्ली में होता है हमेशा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेला। ये पूछा जाता है कहाँ होता है, तो दिल्ली में होता है। जिसका उद्घाटन किया था वो किया था स्मृति ईरानी ने। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। पानमुंजोम नामक सीमाई क्षेत्र, पानमुंजोम नामक सीमाई क्षेत्र किन दो देशों के बीच संयुक्त सुरक्षा क्षेत्र है? पानमुंजोम नामक सीमाई क्षेत्र किन दो देशों के बीच संयुक्त सुरक्षा क्षेत्र है? तो ये किन दोनों के बीच है? ये है उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच, उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने। भारतीय रिजर्व बैंक ने संदीप बख्शी को 3 वर्षों के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक का MD व CEO पद नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और खासकर खबरों में भी रहा था, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ICICI बैंक, इससे पहले चंदा कोचर थी जिन्होंने खुद ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद संदीप बख्शी को बनाया गया। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट है, QS भारतीय विश्वविद्यालय रैंकिंग में किस संस्थान को सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है? QS, ठीक है, तो किस को? ये IIT मुंबई को प्रथम रैंकिंग प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, नागरिकों को सूचना देने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सी विजिल ऐप का शुभारंभ किया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐप पर हमेशा क्वेश्चन बनता है, सी विजिल ऐप का शुभारंभ किया है? तो ये चुनाव आयोग ने, किसने? चुनाव आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। भारतीय रेलवे ने मोबाइल ऐप के जरिए 0 FIR योजना की घोषणा की है। 0 FIR योजना से क्या मतलब है? तो ये इसमें से किसी भी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज की जा सकती है और बाद में मामला उपयुक्त स्टेशन मास्टर को ट्रांसफर किया जाएगा। ये है 0 FIR का मतलब। किसका? किसी भी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज की जा सकती है और मामला उपयुक्त स्टेशन मास्टर को ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित चैटबॉट ऑक्स दिशा का शुभारंभ किया? निम्नलिखित में से किस संस्था ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट ऑक्स दिशा का शुभारंभ किया? तो ये किया था आईआरसीटीसी ने ये शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जगह पर 15 अक्टूबर 2018 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा संग्रहालय निर्माण की नींव रखी गई? निम्नलिखित में से किस जगह पर भारत के प्रधानमंत्रियों द्वारा संग्रहालय निर्माण की नींव रखी गई? तो ये रखी गई 3 मूर्ति स्टेट नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 2018 किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय इंपॉर्टेंट है, कई बार डे भी पूछ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस ये किस तिथि को मनाया था? ये मनाया था 13 अक्टूबर को। अब एक इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन बनता है कि इस जो दिवस मनाया है इसकी थीम क्या है? तो थीम देखिए स्टूडेंट, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? इतना पता है कि 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर इसकी थीम देखें तो इसकी थीम है आपदा आर्थिक नुकसानों को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा सेंदाई सेवन अभियान का संबंध किससे है? आपदा जोखिम को कम करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने दशहरे के मौके पर किस जगह पर शस्त्र पूजा करने का निर्णय किया? केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने दशहरे के मौके पर किस जगह पर शस्त्र पूजा करने का निर्णय किया? ये किया था बीकानेर। कहाँ? बीकानेर, राजस्थान। नेक्स्ट बात करते हैं, कोप इंडिया नामक से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोप इंडिया नाम से भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ युद्ध अभ्यास करती है? तो किससे? यूएसए से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में टी कप चर्चा में रहा यह क्या है? यह विश्व का सर्वाधिक गति वाला कैमरा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
टी कप क्या है? विश्व का सर्वाधिक गति वाला कैमरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये थे स्टूडेंट हमारे आज के जितने भी करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। धन्यवाद।